रतिया नगर पालिका पर प्रॉपर्टी आईडी बनाने को लेकर लग रहे धांधलीबाजी के आरोपों के बाद सीएम फ्लाइंग ने नगर पालिका कार्यालय पर रेड की। एडीजीपी आलोक मित्तल के दिशा निर्देश पर टीम ने हाजिरी रजिस्टर चेक किया तो मौके से 3 कर्मचारी नदारद मिले, तो वहीं कुछ कर्मचारी समय से लेट पहुंचे। इसके अलावा सीएम फ्लाइंग ने एनओसी और अन्य दस्तावेज भी खंगाले। सीएम फ्लाइंग में उच्च अधिकारियों को नगर पालिका में अधिकारी और कर्मचारियों के नदारद रहने की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा नगर पालिका में एनओसी में बड़े स्तर पर घोटाले हो रहे हैं, जिसकी लोगों ने शिकायत की थी। रेड के बाद टीम ने प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है। टीम ने प्रॉपर्टी आईडी और एनओसी का रिकॉर्ड तलब किया और 2 घंटे से ज्यादा के समय तक पूरा रिकॉर्ड खंगाला। गौरतलब है कि रतिया नगर पालिका पर प्रॉपर्टी आईडी और एनओसी को लेकर अक्सर धांधलीबाजी के आरोप लगते आ रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम फ्लाइंग एनओसी को लेकर भी जांच शुरू करे। फिलहाल अभी सीएम फ्लाइंग की टीम ने मीडिया के सामने कुछ भी कहने से मना किया है। सत्य खबर के लिए रतिया से अशोक ग्रोवर की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।